हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी प्राइवेट डिग्री कॉलेज में नेट क्वालिफाई होने के बाद अप्रूवल यानी कि अनुमोदन करा चुके हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर आपको प्राइवेट डिग्री कॉलेज पे आपके विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया जा चुका है और अभी जाके आपको अपना अप्रूवल कैंसिल यानी निरस्त कराना है, तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिनको अप्रूवल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अप्रूवल क्या होता है, अप्रूवल के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है, अप्रूवल का क्या बेनिफिट्स है, तो इसके बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज की वीडियो में देखा जाए तो आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं कि अप्रूवल कैसे आप कैंसिल करा सकते हैं। देखिए, अप्रूवल जब आप कराते हैं तो जो प्रोसेस होता है, देखा जाए वही प्रोसेस आपको कैंसिल के टाइम भी कराना पड़ता है। अप्रूवल देखा जाए बेसिकली क्यों कैंसिल कराना पड़ता है, इसके दो तीन कारण देखा जाए मेन होते हैं। पहला कि आपको जो सैलरी बताई गई थी वो सैलरी नहीं दिया जा रहा है, या आपको वहां का जिस कॉलेज पे आप पढ़ा रहे हैं वहां का एनवायरमेंट नहीं पसंद है, या आपको कहीं पे और ज्यादा देखा जाए अच्छी सैलरी दी जा रही है, तो ऐसी अवस्थाओं में अप्रूवल कैंसिल कराना पड़ जाता है। एक और देखा जाए कारण होता है जिससे अप्रूवल ज्यादा कैंसिल कराना पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए कि आप जॉब करना नहीं चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं अप्रूवल के लिए, तो कोई प्राइवेट कॉलेज वाला आपको देखा जाए तो दस्तावेज में आपका डॉक्यूमेंट दिखा के अप्रूवल आपके सब्जेक्ट से कॉलेज पे करा ले और आपकी जगह किसी और शिक्षक को नियुक्त करके वहां पे पढ़ावाए यानी टीचिंग का वर्क करवाए, तो उसको कम पैसे यानी कम सैलरी दे के ही काम चला लिया जाएगा और आपको देखा जाए वहां पे सिर्फ और सिर्फ फाइलों में देखा जाए तो ऑफिशियल तौर पे इंफॉर्मेशन के लिए आपको वहां पे फाइलों में दर्शाया जाएगा कि हमारे यहाँ ये टीचर अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा और सैलरी आपको दिखाया जाएगा कि 25,000 या 30,000 आपको सैलरी पर मंथ दिया जाता है। इस वजह से उनको सैलरी में देखा जाए तो वहां पे जो डेटा रहेगा वो भी मेंटेन हो जाएगा, हर चीजें बेहतर हो जाएंगी और कॉलेज को इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है पैसे का। और जो पैसे बचते हैं तो कभी कभी जब अनुमोदन आप कराने जाते हैं और आप कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे नहीं, या कॉलेज वाले कहते हैं कि आप यहाँ पे पढ़ाइए मत, हम आपके यहाँ यहाँ किसी और को रख देंगे और आपको कुछ पैसे दे देंगे ईयरली तौर पर, जैसे 50,000 से 1,00,000 रुपए वार्षिक तौर पर आपको वो दे देंगे। तो इस अवस्था में कभी क्या होता है कि किसी वर्ष आपको उन्होंने पैसे दिया और किसी वर्ष उन्होंने पैसे देने में आनाकानी करने लगे, तो ऐसी अवस्था में भी लोग कैंसिल कराने चाहते हैं अपना अप्रूवल, चाहते हैं कि वहां से हम हट जाए क्योंकि हमारा फायदा नहीं हो रहा है। तो इस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अप्रूवल जो होता है तो है लीगल तौर पे आप नियुक्त हो जाते हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, तो इसमें मेन भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय। लेकिन इसमें क्या होता है कि एनओसी देखा जाए एक तरह से आपको लेना पड़ता है या एप्लीकेशन देना पड़ता है अपने प्रिंसिपल को जो कॉलेज के होते हैं, और वो प्रिंसिपल कॉलेज को के जो प्रबंधक रहते हैं उससे देखा जाए तो आपका एप्लीकेशन पास कराते हैं और फिर आपको ये एप्लीकेशन देते हैं और फिर जाके आपको यूनिवर्सिटी के देखा जाए हेड ऑफिस जाना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है और वहां पे जाके आपको अपना कैंसिल के लिए आवेदन देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर आपका अप्रूवल कैंसिल कर दिया जाएगा उस डिग्री कॉलेज से जहां पे अप्रूवल ऑलरेडी कराया गया था। किसी अवस्था में क्या होता है कि आपके जो प्रबंधक हो गए या प्रिंसिपल हो गए आपको एनओसी ना दें या आपके एप्लीकेशन पे साइन ना करें, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, ऐसी अवस्था में आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी विजिट करना होता है और इसके सिलसिले में आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है और फिर अपना एप्लीकेशन देखा जाए पूरा डॉक्यूमेंट के साथ आपको देना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में और रजिस्ट्रार ऑफिस से ही आपका ये प्रक्रिया निरस्त करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गया होगा कि अप्रूवल क्यों कैंसिल कराना पड़ता है और अप्रूवल कराने का क्या प्रोसेस है। देखिए, जो प्रोसेस चला होता है अप्रूवल कराने में उसी का एंटी प्रोसेस कराना होता है, प्रोसेस चलता है आपका कैंसिल कराने में। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आसान है, कोई बहुत ज्यादा देखा जाए रिजिड नहीं है कि आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा या यस आप अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो कॉलेज वाले आपको परेशान करेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।